पूर्वी दिल्ली के ज्वालानगर इलाके में सोमवार को आम आदमी पॉलीक्लिनिक उद्घाटन किया गया। इस पॉलीक्लिनिक में तमाम तरीके की सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी। इस दौरान दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि लगभग 300 गज एरिया में पॉलीक्लिनिक को बनाया गया है। पिछले 2 साल से इस पॉलीक्लिनिक का निर्माण कार्य चल रहा था, जो कि अब पूरा किया जा चुका है। पॉलीक्लिनिक में ECG, एक्सरे, बाल चिकित्सालय, मेडिसिन, OPD, गायनेकोलॉजी, OPD, शिशु एवं बाल OPD, अल्ट्रासाउंड, आंखों की जांच जैसी सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी। यहाँ GTB हॉस्पिटल के देख रेख में यहाँ चलेगा। GTB हॉस्पिटल के डॉक्टर्स यहाँ सर्विसेज देंगे। कुछ सर्विसेज डेली होंगी, कुछ सर्विसेज हफ्ते में 2 दिन। यहाँ जो एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं पॉलीक्लिनिक में, योजना के अनुसार यहाँ पर हमारा अल्ट्रासाउंड होगा, एक्सरे होगा, ECG होगा। ये मोहल्लों के अंदर पहली बार ऐसा सिस्टम आरंभ हुआ है, इससे आम जनता इसका लाभ उठा सकेगी। वहीं दूसरी ओर समाजसेवी राजेश्वरी ने बताया कि पॉलीक्लिनिक के शुरू होने से इलाके में रह रहे लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं मिल पाएंगी। साथ ही अब पॉलीक्लिनिक न होने के कारण इमरजेंसी के समय लोग अपने परिजनों को हेडगेवार अस्पताल और GTB अस्पताल लेकर जाते थे, लेकिन पॉलीक्लिनिक के खुलने से इलाके में रहने वाले लोग अपने परिजनों को आसानी से और समय पर इलाज करवा पाएंगे। देखिए, इसमें सभी सुविधाओं से लैस रहेगा ये अस्पताल। एक्सरे, ECG, अल्ट्रासाउंड, मेडिसिन, ENT, बाल विभाग, स्त्री विभाग सब होगा इसमें सर। देखिए, एक हेडगेवार हॉस्पिटल है या फिर GTB हॉस्पिटल है, मैं गुरु तेग बहादुर के अस्पताल के सभी डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारी सेवा में, हमारी जनता की सेवा में यहाँ पर आ रहे हैं। उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बता दें कि आम आदमी पॉलीक्लिनिक पिछले 2 सालों से इसका निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन कोरोना के कारण और दिल्ली में प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन कोरोना और प्रदूषण में सुधार आने के बाद इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया। सोमवार को आम आदमी पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया गया, जिससे लोगों को काफी सुविधाएं मिल सकेंगी। टोटल न्यूज के लिए कुणाल शर्मा की रिपोर्ट।